बेशक अल्लाह सही वड़े शाने वाला है। वह अपने कलाम नाल कायनात बनाई। जेरे वेले असा जमीन और आसमान से निगाह करें दे हैं तब बे अख्तियार साडे मुंह खाले के कुल माले के दो जहान दी हम तो सना निकल दिए। जेरा वड़ा मेहरबान ते बहु रहम करण वाला है। अल्लाह सही जो कुछ भी बनाया बहु चंगा बनाया उस हर चीज कुनू दी कुदरत अते अजमत दा इजहार थिया। अल्लाह सही हर किस्म के बूटे अते हर किस्म के हैवान पैदा किए। जमीन की मिट्टी को इंसान का बोता बनायोस वल उन्दे नासें विच साफ फूकियोस ता वो जींदा जागदा इंसान बन गया। उन पहले पहले इंसान का ना आदम हा। बाद विच हजरत आदम ते घाटी नेंद्रतारी करके खालिक के कायनात उन्हें दी एक पसली कढ़ी अते उन कनु एक औरत बनाई ताजो ओ हजरत आदम दी जाल अते साथी होवे। अल्लाह सही अपने कुछ सिफता भी उन्हें विच रखिया ताजो ओ उन्दी कुर्बत च रह सकें। बस ओ दुए एक खूबसूरत बाग विच खुश खुर्रम जिंदगी गुजरेंदे पे हन जिथा उन्हें को कुर्ब इलाही भी हासिल हा। अल्लाह सही हजरत आजम को फरमाया ई बाग दे हर दरख्त का फल तुसा खा सकदे हो सिवा आदि वाली दरख्त जे तुसा उंदा फल खाता तो मरसो जरूर। वल थिया ई जो एक दिन शैतान दे वरगलावण से हजरत हवा उन दरख्त का फल खा छोड़िया अते हजरत आदम को दितोस उन्हें भी खा छोड़िया। ई ना फरमानी दी वजह कोनो उन्हें को कुर्बत इलाही कनु महरूम थीवना पै गया। खुदा दे ना फरमान ता उनकी कुर्बत च नहीं रह सकते। वल्लाह सही हजरत आदम अते हजरत हवा को बाग कनु कट छोड़िया। ई वजह कोनो पछतावा अते मौत हजरत आदम हजरत हवा अते उन्हें दी आल औलाद दा मुकद्दर बन गई। ऊ रहीम ओ करीम जात पहले कनु इंतजाम किता होया हा जो औलाद आदम को केरे तरीके नाल अपने कुर्बत च गेनामड़े ताजो दायमी तौर ते जन्नत च रह वञन। अल्लाह ताला अपने कलामे पाक के जरिए वाजे कर दिता हा जो लोग कीवें अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं उन पछतावे अते सजा को बच सकते हैं जिहड़ी उन्हें ते वाजिब थी गई है। अल्लाह सही अपने मनसूबे की थोड़ी जी झलक हजरत इब्राहिम को भी दिखाई। हजरत इब्राहिम अल्लाह सही ते भरोसा किता अते उन्हें दी फरमा बरदारी करेंदे रह गए। अल्लाह सही फरमाया इब्राहिम मैं तेरे उत्ते बरकता नाजल करे सा अते दुनिया जहान दिया सारिया कौमा तेरे वसीले नाल बरकता पैसेन। तेरी आल औलाद को इतना ज्यादा वधे सा फले सा जो ओ गणीज ना सकसेन जिमें समुद्र दे किनारे दे जर्रे जिमें आसमान दे तारे। हजरत इब्राहिम अल्लाह सही से भरोसा किया ता अल्लाह सही उन्ने को मुत्तकी करार दिता अते खलीलुल्लाह दा लकब अता फरमायोस। एक दिन अल्लाह सही हजरत इब्राहिम का इम्तिहान गिदा। मकसद ये देखा हा जो हजरत इब्राहिम केरी हद तक मेरे उत्ते भरोसा करें देन अते मेरी फरमा बरदारी करें देन। अल्लाह सही फरमाया इब्राहिम अपने प्यारे पुत्र को मेरे ना से कुर्बान कर दे। हजरत इब्राहिम को एहसास हा पिया जो ही पुत्र को मेरी नस्ल अगू ते टुटनी है। वल भी उन्हें अल्लाह सही से भरोसा किया अते फरमा बरदारी करें दे होए पुत्र को कुर्बान करने ते तैयार थी गए। हजरत इब्राहिम जरे वेले छुरा चाहता तो अल्लाह सही फरमाया इब्राहिम अपना हाथ सही झल घेन मैं देख गी दे जो तू मेरे उते पूरा पूरा भरोसा रखेनी अते मेरी फरमा बरदारी करेनी। इस सुनने दे बाद हजरत इब्राहिम डिठा जो उन्हें दे पिछों एक दुम्बा जत्ते विच सिंह फसाई खड़े उन्हें वंजों को पकड़िया अते अपने पुत्र दी जात कुर्बान कर लितो ने। ए दुम्बा अता करके अल्लाह सही इंसान नाल अपनी बेमिसाल मोहब्बत दा इजहार किया। इंसान को अपनी औलाद जितनी प्यारी होंदी है उन रहीम और करीम जात को इंसानों को नु ज्यादा प्यारे हैं। ई वाक़े दे जरिए अल्लाह सही उन कुर्बानी दा अक्स दिखाया जेंदा इंतजाम इंसान को बचावण दी खातिर कीता होया हा। सहाइफ उल अंबिया विच लिखिया लाथे जो ओ रहीम ओ करीम जात एक मासूम हस्ती को भेजे सी
जेरी बनी नवे इंसान को गुनाह दी सजा को नू बचावन दी खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देसी। वाली अजीम कुर्बानी दे नतीजे विच बनी नवे इंसान वला कुर्बत इलाही विच वन सकसन। अंबिया कराम ई मासूम हस्ती को मसीहा दे लकब नाल सद्या है, ओ लोके को गुनाह को नू बचे सी अते नायब किबरिया दे तौर ते हमेशा तई हुकूमत करे सी। मसीहा दी आमद को नू सद्या पहले अंबिया कराम ए दसा दिता हा जो आवन वाला मसीहा क्या करे सी अते खुद हुंदे नाल क्या थी सी। हजरत दाऊद फरमाया हा जो मसीहा को अल्लाह सही आखसी तू मेरा फर्जंद है। इना मतलब ए नहीं जो मसीहा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह सही दे सुल्बी फर्जंद हैं, बल्कि इना मतलब ए है जो मसीहा अजल कनु कलमतुल्ला हैं। कलमतुल्ला को बीबी मरियम बतूल दे बतन विच भेजा गया, ई तरह इंसानी रूप अख्तियार कर गिता। अंबिया किराम मसीहा को फर्जंद खुदा आख के जाहिर किता जो अल्लाह सही दे महबूब हस्ती हैं, नायब किबरिया हैं, अहले जहान को बचावन वाले हैं। अंबिया किराम दहारी तहा जो एक नौजवान कुंवारी पाक दामन छोएर एक छुहर जने सी। एक नबी फरमाया हा जो मसीहा बैतलहम विच पैदा थी सी। एक बेनबी फरमाया हा जो ओ यरूशलम विच बादशाह दी हैसियत नाल दाखिल थी सी। अते एक बेनबी फरमाया हा जो उंदा करीबी साथी उंदे नाल गद्दारी करे सी। हजरत दाऊद फरमाया हा मसीहा अपनी जान कुर्बान कर देसी अते त्रीजे दी कादरे मुतलक उकुं वला जिंदा कर देसी। हजरत दानियाल फरमाया हा मसीहा इंसानी रूप विच औसी, वो बदले दे सवार थी के अर्श मौला ते लगा वेसी, उताओं को सारी दुनिया दे लोके ते इख्तियार दिता वेसी। तकरीबन 2000 साल पहले जमीन ते एक हस्ती दा जहूर थिया, उंदा इस्म मुबारक ईसा मसीहा। जेरे वेले लोके उन्हें दे मोजे दिथे ता एक बेक नु पुछन लग पए मसीहा इयो है, क्या इंदे विच ओ सारे गाली हैं जेरे पेश गोईया अंबिया करामी दे बारे विच कीतिया हन। इन फिल्म विच इंजील शरीफ दे मुताबिक आका ईसा मसीह दी जिंदगी उन्हें दे फरमान ते मोजजात दे बारे विच लिखाया गया है। इन फिल्म विच एक शख्स आका ईसा मसीह दा किरदार अदा करेंदा पए। बेशक ये चंगा नहीं लगदा जो कोई ब्याह शख्स उन्हें दी जाते नजर आवे। दरअसल फिल्म बनाने का मकसद ए है जो लोग आका ईसा मसीह दी हयात तैयबा दे बारे विच जानन अते बरकात इलाही करूं फैजियाब थी वेन। थियोफिलस साईं ए उन्हीं गालिन दा जिक्र है जो साडे दरमियान थी चुकिया हैं। मैं उन्हें को तरतीब नाल लिख रिया ता जो तुआ को हर गाल दा पक्का पक्का यकीन थी वने। ए जिक्र हूं वेले दा है जदन कैसर अगस्तस रूम दा ते हेरोदेस यहूदिया दा बादशाह खुदा हजरत जबरील को नासरत दे शहर दी एक कुंवारी छुएर को भेजा। उंदा ना हा हजरत मरियम। खौफ न कर मरियम, तेरे उते खुदा दा फजल थे। देख तेको एक पुत्र जमसी, उंदा ना रखी ईसा। कीवें थी सी? मैं ते कुंवारी हां। तेरे उते रूह पाक नाजिल थी सी, इयास्ते ओ पाक जात खुदा दा पुत्र हो सी, उंदा हुक्म अबद तुनी चल सी। आते हजरत मरियम यहूदिया दे शहर अपनी सकी अलीशबा को मिलन गी, ओ भी खुदा दी कुदरत नाल ढेड नाल हाई। अलीशबा मरियम, मेरे भेण मरियम, सारे तरीम तेज बख्तावर है, तेगा पैर भी बख्तावर हो सी। एडो मैं तेगा सलाम सुनिया, उडो ठेगेच मेगा बाल खुशी नल टप्पन लग्या। जिंद जिंद करा तमजीद खुदा दी, अते तारीफ अपने बचावन आले दी, आनर आलिया नस्लामे को बख्तावर आक्सन। नासरत दे रहन आलियो सुनो, कैसर अगस्तस दे हुकम दे मुताबिक गलील अते यहूदिया दे सारे रहन आले मर्दम शुमारी कीते अपने अपने प्यू डाडे दे शारी अते वस्तियां च अपने नां दर्ज कराओ।
मरियम अपने मांग यूसुफ नाल ना दर्ज करावन यहूदिया देशार बैतलहम गई। मगर बैतलहम विच उन्हें वास्ते कोई जा ना आई जा मिली वीता जनावरें दे अस्तबल विच। मुल्क दे हूं इलाके विच कुछ आजड़ी रात को अपने अजड़े की देखभाल पै करेंदे हन। अबड़वोत एक फरिश्ता उन्हें ते जाहिर थिया अते खुदा दा नूर चार इंच उन्हें ते उन्हें ते चिमकन पै गया। अज दाऊद दे शहर विच तुहाडा बचावण वाला मौला मसीह पैदा थे। आजड़ी बाल को बांदुर विच देखण वास्ते जल्दी जल्दी टुर पै। उहे हन जिन्हें पहले पहले कुआरी मां बीबी मरियम ते बचावण वाले जम दा जिक्र किया। एक हफ्ते बाद बाल दी तहोर दा वेला आया तो उनका नाम ईसा रखा गया अते मरियम ते यूसुफ बाल को खुदा दे हजूर विच पेश करन कीते यरूशलम घेन गए। हैकल विच एक नेक ते दीनदार शख्स रहा हा उनके नाल रूहे पाक वादा कीता हा जो ओना मरसी जै तोड़ी मसीह को देख ना गिनसी। उनका नाम हा शमून। मौला अपने बंदे को अपने कौल दे मुताबिक रुखसत कर। मैं तेरी निजात देख गी दिए ई बाल को तय चुन गी दे लख लख बरकता हूं मैं। हजरत मूसा दी शरीयत दे मुताबिक सारिया मजहबी रस्मा पूरिया थी गया ता ओ यरूशलम छोड़ के नासरत आ गई। ईसा 12 साल दे थे ये यूसुफ अते मरियम उन्हें को ईद फसाते यरूशलम घेन गए। वापसी ते सोचे ने जो बाल उन्हें दे ना ले मगर ईसा पिछू रह गया हन। उन्हें को उलेंदे गुलेंदे शहर में आ गए। त्रीजे दिन वह हैकल विच मिले आलमे ते बुजुर्ग नाल बैठे वे। इंजे सवाल पूछण वाला केंदा पुत्री एना सुद्दा है साडा ख्याल है ना ले जुरत दी माफी दे। उंदे गाली ते सब हरियान हन। पुत्रा ए क्यों कीती दिल विच लख वसवसे तेडा प्यो ते मैं ते को गुलेंदे वदे हासे। तो सा क्यों गुलेंदे पे हावे ताको पता ना हा जो मैं खुदा दे घर हो सा। ईसा उन्हें नाल नासरत आ गई। वो अकलमंदी ते कद विच वधदे गए अते खुदा ते इंसान दे प्यारे हन। उस बादशाह की हुकूमत का 15वां साल हा। पुंतियस पिलातुस यहूदा का गवर्नर हा। हेरोदेस गलील का हाकिम हा। हन्नान ते कायफा वडे मजहबी पेशवा हन। बर बयाबान विच हजरत याहिया खुदा दी आवाज सुनी। वो दरियाए उर्दन दे पार्क मुल्क विच गुनाहे ते तौबा ते पाक गुसल दी तबलीग करन लगे। गुनाहे कनु तौबा करो पाक गुसल करो खुदा तुहाडे गुनाह माफ करे सी। हजरत यसाया नबी दी किताब लिख्या है बर ब्यान च मारे कुकड़े कोई राह त्यार करो मौला दी सिद्धे करो सब रस्ते तुसा घाटिया सारिया भर लियो टिब्बे टोड़े लेवल सारे कर लियो चुंडा नुकरा सिद्धा करो
टिब्बे सब हमवार करो, बंदे डेक्सन बचावन अपने मौला दा। असा क्या करूं? दसाओ, नागे दी नस्लो। क्या चाहते हो? क्या करूं? दसाओ केड़ी राते वन्यो? जैदे कोलो हुआ डू कमीजा ते डे देवे है कुकू जैदे कोलो नहीं जैदे कोलो हुए टुकर वांड के खावे। मुर्शिद असा टैक्स उगड़ेंदे हैं, असा क्या करूं? हक कोलू ज्यादा ना घिनो। अते असा क्या करूं? दब्बड़ घुसन्नी करके ना घिनो, कहीं ते कूड़ा इल्जाम भी ना लो, तनख्वाह ते गुजारा करो। दसाओ तुसा मसीह हो? मैं ते पानी नाल गुसल लेना, बल जो मेरे बाद आवण लाए वो डाढ़ा जोर आवारे, मैं उदे खले दी नहीं चाह सकता। वो तो आगो पाक रूह नाल गुसल ले सी, उदा छज उदे हाथे चे ता जोड़ निड़कू छटके फटके अते खड़े कू अपने खेते जमा करे। कबूतर दी शिकल विच नाजल थिया। अते आसमान कोलों आवाज आई, तू मेरा सोना पुत्र है, मैं ते तू खुश हां। इडो ईसा 30 साल दे थे उडो उन्हें तबलीग करन शुरू की थी। दरिया उर्दन कोलों वल्ले तपाक रूह नाल पुर हन। रूहे पाक उन्हें को बयाबान विच घेन गया। उथा अबलीस उन्हें को 40 दिन तोड़ी अजमाया। इन सारे वेले उन्हें कुछ न खाता। शैतान आखन लगा, जे हैं खुदा दा पोत्र ते आखी पत्थर खूं बन वने रोटी। लिखे ला थे आदमी सिर्फ टुकर ना जीना ना रासी, बल्कि खुदा दे कलाम नाल। अते इबलीस उन्हें को एक उची जाते घिन गया, अते आग छपक दे दुनिया दिया बादशाह दिखाया। मैं ते कु इंदा सारा अख्तियार अते इंदी सारी दौलत दे सकदा, ए मेरे अख्तियार इच्चे, मैं जे कु चावा दे देवा, ए सारा तेरा थी सकदे, बस मैं कु हिक सजदा कर जा। लिखे ला थे तो सिर्फ खुदा को सजदा कर, अते उंदी इबादत कर। ते इबलीस उन्हें को यरूशलम घेन गया, अते है कल दे उच्चे कलस ते खड़ा कर दे तुस। जे कना तू है खुदा दा पोत्र, मारे थू टप्पा, क्यों जो लिखिया व्या है, वो फरिश्ते को तेरी हिफाजत दा हुकुम देसी, वो ते को अथी ते चा घिनसिन, तेरे पैरों को पत्थरी नाल सट भी ना लग सी। लिखिया ला थे, तो खुदा सही दी आजमाइश ना कर। Thank you.
अते ओ नासरत विच आए जिथां ओ पले हन। मामूल के मुताबिक छण छण आले ज्याड़े इबादत खाने गए। उन्हें को पढ़ने वास्ते यसाया नबी का सहीफा दिता गया। खुदा की रूह है, मैं उनका चुने आया ता जो गरीबों को चंगी खबर देव। उंभे जे मेरे को कैदियों को रिहाई ते नबीनिया को अखी बख्शा, भन्ने त्रुटे लोखा को छुड़ावा अते ऐलान कर देव जो बचावण दा इहो वेला है। वाह वाह वाह, आज कलाम अल्लाह पूरा थी गए, तिलावत सुन गई दीवे। कलाम पूरा थे? ए वादा ते सिर्फ मसीह पूरा कर सकता। आखिर कीवे? बेशक तुसाई मिसाल देसो, हकीम अपना इलाज कर, तुसा ता ए भी आखसो, अपने शहर च एजे काम कर, जेंजे ते कापर ना होमेज कीते। मैं दिसावा, नबी दी कदर उदा शहर नहीं करेंदा। इन्हें गाली नाल ईसा अपने आप को खुदा दा मुकरर कीता व्या बचावण आला साबित कीता, पर यहूदे उन्हें को कबूल ना कीता। ओ उन्हें को पहाड़ी तो रेड़न चाहते हन, लेकिन वो भीड़ विचों बच के निकल गए, अपना रास्ता कीता। अते गलील दे एक शहर कापरनहूम विच आ गए। हर पासो रूमी ही रूमी हन, उडो लोकें को मसीह दी तांग है कि उन्हें को जुल्म जबर कनु निजात दे। मुर्शिद तुसा बेड़िया जाहो से शमोन? क्यों नहीं? ओ लगे तो ना वैसे ताकु दसो साईं, ताकु दसो साईं, दसो साईं, दसो ही साईं। दो आदमी हन खुदा दे घर दुआ मंगण गए, एक तेहा फरीसी दूजा हा टैक्सो गाड़ू। फरीसी कल्ला बहते ए दुआ मंग लगा, मौला तेरा लख लख शुक्र है जो मैं दूजे दी वांगू ना ते लोभी हाँ, ना बेईमान अते ना जानी। लख वारी शुक्र है जो मैं टैक्सो गाड़ू जिया निमी। हफ्ते च डूडी रोजा रखे ना, आमदनी ते उछड़ देना, अते टैक्स सुगाड़ू परे खड़ा ही जे आसमान आले पासे सिर ना चाहता। सीना कुट कुट के आखे पिया, मौला रहम कर मेरे ते गुनागार ते। मैं तो आपको दिसावा, ओ टैक्स सुगाड़ू हावे टैक्स सुगाड़ू ना के फ्री सी जो खुदा को खुश करके अपने घर गया। तकबुर करन आला छोटा थी वैसी, आपको छोटा करन आला वड़ा थी वैसी। बेड़ी घील के चिक्के पानी घिनवंजो, तुहाड़े बेली ते तुसा मच्छी आसे जाल सटो। ओ मुर्शिद सही, सारी रात लगे रहे से, हाथ कुछ नहीं आया।
तुसा आधे हो तजाल सटें दे से यकूब योहन्ना मुर्शद इड्डू लगे वो मैं गुनागार हाँ साई ना डर बाबा तू लोग को मेरा मुरीद बने से मेरे कोल आओ मेरी गाल सुनो सुनो ते जींदे रहो खुदा को गुलेंदे रहो जे तोड़ी मिल सकते उनको आवाज देओ जे तोड़ी कोल है बुरा बुराई को छोड़ देवे ते गुनागार अपने ख्यालों को ओ खुदा दू फिरे ते खुदा उन्दे ते रहम करेसी ओ ता हे सखी बादशाह खुशी ना बहर वेसो ते सलामती तुआडे नाल रासी ओ आने पैन साइन देखो मुर्शद मुर्शद मनी का दिए बचा घिनो साई रहम करो बस बारह वरे दिए ओ मर वैसी साई मरे नाल आओ यार इसमें को अफसोस है मुर्शद तेरी दी मर गई है हुन मुर्शद को तकलीफ देवण दा फायदा डरना मरना बस ईमान रखो ठीक थे वैसे मोई नहीं सिर सुती पई है धी उठी को कुछ खवाओ ख्याल करो कहीं को ना डसाओ क्या था है? इंद बाद उन्हें एक टैक्स उगाड़ू को निथा जैंदा ना हा मती अते बेठा चुंगी ते मसूल उगाड़न आपिया
ईसा पहाड़ ते दुआ करन गए अते सारी रात दुआ विच गुजार दिती। दीह निकत था तो उन्हें बारह को चुन गिधा अते उन्हें को हवारी आख्या। शमून उन्दा ना पत्रस रख्या। उन्दा भिरा इंद्रियास। यकूब। यूहन्ना। फिलिपस। अते बर्तुलमा, अते मती, अते तोमा, हलफईद पोत्री यकूब, शमून इंकलाब पसंद, अते यकूब दा भिरा यहूदा, अते यहूदा इस्करियोती जै गद्दारी कीती। बख्तावरी वे तुसा गरीब क्यों जो खुदा दी बादशाही तुहाडी है। बख्तावरी वे तुसा भुखे क्यों जो तुहाडा ढिड भरी सी। बख्तावरी वे तुसा जो रोंदे हो क्यों जो तुसा खिलसो। बख्तावरी वे तुसा लोग मेरी वजह कोनो तुहाडी बेइज्जती करे सन। मैं इब्ने आदम दी वजह ना लोग तुहा को बुरा आखसन। इवें थीवे ते खुश थी के रक्स कराए क्यों जो अश्ते तुहाडा आजर बहु वडा है। इन्हां दे पियो डाडा भी नबिया नाल इवें करेंदे हन। अमीर नहीं थीवन चाहंदा पागल है। बदबख्ती वे तुसा खिलण आले तुसा रोसो बाकसो। बहु अफसोस लोग तुहाडी तारीफ करन। इन्हें दे प्यू डाढ़ा कुड़े नबिया नल इवें कीता हा। कन खोल ते सुनो मेरी गाल। दुश्मनी को प्यार करो। नफरत करन आलिया नल भलाई। लानत दे जवाब विच बरकत। बेअतबारे वास्ते दुआ। एक गल ते मारे कोई चिमाट दूजी गल भी उंदे हवाले। जो लहावे तेरा धुसा उनको डे कमीज। जो को मंगे उनको डे डे। जो कोई तेरा माल मंगे उंदे कोलो वल ना मंगी। दूजे नाल तू ओ कर जड़ा तू चाहने हो तेरे नाल करन। जे तू प्यार करने वाले को प्यार करें ते तेरा क्या एहसान थी सी। काफर भी ते प्यारे को प्यार करें देन। जे ते नेक सलूक दे बदले नेक सलूक कीता ते को खुदा अजर क्यों देवे। पापी ये करें देन। उनको हाथ क्यों हलास है। अलाया क्यों इस उन्दे नाल। शर्म दी गल है।
दुश्मन नाल प्यार ते नेक सलूक करो, कर दे वो वल मंगो ना, अजर तो आकू बहु प्या मिलसी। ई थी सो तुसा खुदा दे प्यारे रहम करे, और हर कहीं ते भावे होवे ना शुक्रा रहम करें दे रावो जीवे मौला रहम करें दे। जा मुर्शिद, ऐब कढ़े सो ऐब निकलसन, ऐब न कढ़ो ऐबे ते तुहाडा पर्दा होसी। माफी दियो ते माफी तुहाकू भी मिलसी। अपना राह दिखा मौला। दियो ते वल तुहाकू भी मिलसी, जेडी प्रोपी नाल न पेसो हुंदे नाल तुहाकू मिलसी। अंधारा अंधे को दिखावे, दूहे खुए छोसेन, दूजे दी अख दा कख भी दिसे पर अपनी अख दा शतीर भी ते को कख ना दिसे। राह दिखाए मुर्शिद। तेडी लोड़ है मौला, बख्तावर है ओ मई जे ते कुछ जणिया खीर पिलाया। बख्तावर है नो जुगाल खुदा दी सुनन अमल भी करन। आखिर है बंदा कौन? क्या ख्याल है ओ मसीह, थी सकते? उन फरीसी ईसा को खावण दी दावत दी, ओ उन्दे घर गिए दस्तरखान ते बह गिए। पुत्रो वन्यो उनते वन्यो सुनिया वे वन्यो, ये कोई ना कोई शैतानी करे दिरा से। वो क्या पाई करें दी ये? पता नहीं। क्या पाई करें दी ये? कि ना ये आदमी नबी होंदा ते को पता होंदा ए कैंजी तेरे मते। ओ कैंजी गुनाह दी जिंदगी गुजरें दी पई है। मैं त्रिमत को जानना शमोन, सुन हे गाल सुन। दो आदमी हन, एक शाहकार दे कर्जा है थन, एक डेवने हन चांदी दे 500 सिक्के दे दूजे 50। दोहे विच कोई भी ना दे सकया, उन दोहे को माफ कर दिता। उनको कौन करे सी ज्यादा प्यार? मेरा ख्याल है उन्हें को बहु माफ किया गया है। ठीक है कि इन त्रिमत को देख, मैं तेरे घर आया हूँ, ते पैरी धोना से पानी न दिता, ही मेरे पैर हंजुआ न धोते, दिवाली न सुखाए, ते मेरे को गलकड़ी न पाती, ओ मेरे पैरों को चुमती नहीं थकती, ते मेरे सिर दिवालों को तेल न लाया, ओ मेरे पैरों को अतर नल पुसा दिते। मैं ते को आदा उन्दे मोहब्बत को जाहिर है उन्दे बहु गुना माफ थे, जिंदे गुना घट माफ थे, उन्दा प्यार भी घट होंदे। तेरे गुना माफ थे, तेरे मां ते को बचाए पंच पे। मैं ईसा मसीह शहर शहर वस्ती वस्ती खुदा दी बादशाही दी तबलीग करेंगे। उन्हें नाल 12 हवारी भी हन अते कुछ तरीमती भी जेहे विचों उन्हें जैन कढ़े हन। एक मरियम मगदलीनी, दूजी युआना, हेरोदस दीवान खुजा दी जाल, त्रीजी सोसर।
लेकिन गलील दे रूमी हुक्मरान हेरोदेस हजरत याहिया को बंद कर दिता हा, क्यों जो उन्हें उनको भिजाई नाल शादी करण ते हट क्या हा। अच्छा असा नैन वस्ती दे दरवाजे ते आए एक जनाजा आउंदा प्या हा, हो एक रांड दे एको पुत्र दे जनाजा हा। ईसा हुंदी मां को डिठा ते हुंदा दिल भर आया, उ जनाजे को हथ लाया ते आख्या उठी बै जवाना, मुर्दा उठ के बह गया। ईसा ओ को मां दे हवाले कीता। पूछो के ये या तुसा सरकार दी बशारा दीती है या कहीं बेहतर रास्ता देखूं? मुर्शिद, मुर्शिद या है पूछण के ते भेजे क्या तुसा ही आवण आले या कहे बेदा रास्ता देखूं? वंजो जय कुल सुने ते देखे दसो अंधे देख दिन मंडे टुर दिन मुबारक है नौजुमे उते शक नहीं करें दे। चिड़ियों को चुग गई, कुछ डठा पथरीली जमीन ते निकता तो सही पर नमी न होने की वजह को सुख गया, कुछ बीज डठे कंडे च कंडे भी निकथे ते बीज भी बीज दब गया, कोई डठा चंगी जमीन ते बूटे डाढ़े फले फुले हेक हेक दे सौ सौ। मुर्शिद लोग जमा होने ता तुसा मिसाला क्यों देंदे हो? तो आखो खुदा दी बादशाह दे राजी दी समय दिती गई है, इन्हां को मिसाला दितियां वेंदे हैं तां जो देने भी ना देखन अते सुनते भी ना सुनन। ई मिसाल का मतलब यह है बीज ते है खुदा का कलाम, ओ बीज जो बनी ते डठे ओ लोक हैं जो सुन दें अते शैतान आके पैगाम उन्हें दे दिलों चो छिक गें दे मताओ ईमान आके बच वंजन। जेड़ा बीज पथरीली जमीन ते डठे हो लोग हैं जो खुशी खुशी मान घिंदन पर जड़ नहीं होंदी, उन्हें दा ईमान वक्ती होंदे जड़ नजमाइश दा वेला आंदे ढह पोंदन। जेड़ा बीज कंडे डठे एओ लोग हैं जो सुन देन पर दुनिया दी फिकर दौलत ते ऐश गिची घूट के देनन, उन्हें दा फल पकदा ही नहीं। चंगी जमीन ते ढाण वाला बीज ओ लोग हैं जो चंगे ते फर्मबरदार दिल ना कबूल करें देन सबर करें नें ते फल नें नें। डीवा बाल के कौन पड़ो पिना लुकें दे या खटड़े थले रखने दे उनको ता डीवर्ट ते रखें देन ता जो अंदर आवाना ले को सो लड़ी से हर लुक की उस शय को जाहिर की तवेसी हड्ड की शय तो पर्दा चाहता वे थी हर शय सोच ले थी सी। खबरदार सोचो कि मैं सुन देवे जिंदे कोलो ओयो को डिता वे सी, जिंदे कोलो कोई नहीं उंदे कोलो ओ भी खास गिदा वे सी जी को अपना समझे दे। मुर्शिद तुहाडी वालदा ते बिरा बार खड़े न ओ मिलन चाहंदे न। मेडी मां ते बिरा ओ हिन जो खुदा दा कलाम सुन देन ते मने ने
एक दिहाड़े ईसा अपने हवारे नाल बेड़ी ते बैठे ते आखन लगे, आओ ढंड दे हूं पासे जुलो। बेड़ी वेंदी पई है ते ईसा सोम गिए। ईमान की थाई में ओ बेड़ी चलेंदे चलेंदे गलील दी ढांड दे ऊंपार गदारा विच आए। क्या कम है मेरे लाल, रहम करो, अजाब विच ना सटो। क्या ना है तेरा? लश्कर मौला रहम कर, साकू तैतल सराय च ना सटो, साकू वन्या दियो सुअर दे अजर एच ओए वल्लाओ, रुको रुको। जिन निखते हुए आदमी विचू अते वड़ गए सूरे विच। जिथा वेसो मैं तुहाडे पिछू, मेहरबानी मैं कुनाल गिनो घर वल वंज अते दिसा क्या किते खुदा। ईसा अते उन्हें दे हवारी बैत सैदा दो लगे गए। लोकी को पता लग्या तो पिछू टुर पाए। पेशी वेले पत्रस आख्या मुर्शद
ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਈ ਵਸਤੀ ਚ ਜਾਂ ਖੇਤ ਚ ਲੱਗੇ ਵੰਨਣ ਖਾਵਣ ਰਾਵਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਇਹ ਬਿਆਬਾਨ ਏ। ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਵਣ ਕੋ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਆ ਬਸ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ। मुबारक है तू मौला जहान दा बादशाह, तू जमीन विचो टुकर पैदा करे ने। यकीन नहीं लोग के आधिन में कौन आ? कुछ आधिन तुसा हिवे याह्या, बाय आधिन तुसा हिवे इलियास। कुछ आधिन पहले नबियां विचु कोई एक नबी जो जिंदा गए थी। तुसा दसाओ तुहाडा क्या ख्याल है? तुसा खुदा दिहादी हो। कहीं को ये ना खाए, जरूरी है मैं इब्ने आदम डुक चावा ठुकराया मंजा, मैं मारे अभी मंजा, अते त्रै ड्याड़े बाद जींदा थी मां। मुर्शद मैं तेरे पिछू, पहले मैं घर वन्या ते बाली को खुदा हाफिज आखा। हल दे फल ते हथ रख के पिछू देखण आला खुदा दी बादशाही दे लायक नहीं। जेड़ा मेरे नाल आवन चाहे अपने आप को भूल वंजे, अगू मैं ते पिछू अपनी स्लीप चाहते मैं। जेड़ा अपनी जान बचे सी उनको गले सी, जेड़ा मेरी खातर अपनी जान गले सी उनको बचे सी। सारा दुनिया जहान हासिल करके जान वजान देवण दा फायदा, जेड़ा मिट्टी या मिट्टी तालीम कोलो शर्माओ सी, ते मैं इब्ने आदम वी उहदे कोलो शर्माओ सां जड़ण अपने आसमानी पियो ते फरिश्तियां दी शान ना लाओ सां। यकीन करो इत्थां इंजे वी हैं जो खुदा दी बादशाही को देखण कोलो पहले ना मरसन। तदा ईसा यूहन्ना याकूब ते पत्रस नाल पहाड़ ते दुआ करांगी।
दुआ करेंदे वेले उन्हें दा चेहरा बी वांगू ते कपड़े चिट्टे खंबूर थी गिए। अबड़गोत दो आदमी उन्हें नाल गालीं करन लगे, वो मूसा ते इलियास हन आसमानी शान विच। तुसा खुदा दा मकसद पूरा करे सो। तुहाडा इंतकाल यरूशलम विच थी सी। ओ वन्यान लगे ते पत्रस ईसा को आखान लग्या, मौला केंजा चंगा है असा इत्था है, त्रै तंबू बनाओ, हिक तेरे आस्ते। पत्रस अलेंदा प्या हाजे हिक बदल उने को लुका गेंदा, हिक इलियास आस्ते। हवारी डर गे, बदल विचों आवाज आई, ए हे मेरा पुत्र, मेरा चुने आव्या, इंदी सुनो। मेरे पुत्र दे राम फरमाओ, मदद करो, मदद करो। ओ मेरा कल्ला पुत्र, मैं तुहाडे हवारे को जिन कढ़ण वास्ते आख्यम पर ना निकते। ओ बेत कादो ते डिंगे लोगो, मैं कढ़ण ते तुहाडी बर्दाश्त करा। खेना पुत्र को साकू दुआ सिखा जीवे याया सिखाइए। दुआ वेले आखो, अब्बा साईं तुसा अर्शते हिवे, तुहाडा नाम मुबारक होवे, तुहाडी बादशाही आवे, तुहाडी रजा अर्शते फर्शते थीवे, साकू रोज दी रोटी रोज मिले, सारे गुनाह बख्श दियो, असा वी ते अपने कर्जदारा को माफ करेने हैं, अजमाइश कोलो परे रखो, बदी कोलो बचा के रखो। मंगो ते डिथा वेसी, गोलो ते बिलसी, खड़काओ ते दरवाजा खुलसी, जेड़ा मंगदेओ को मिलसी, गुलेंदे ते मिलसिस, खड़के दरासी ते दरवाजा भी खुलसिस। तुसे चो हे कोई जा पियू पोत्र मंगे मच्छी ते प्यू डे देवे नाम, पुत्र मंगे आना ते प्यू डेवे वठूआ। तू संबद्ध थी के भी अपने बालां को चंगिया छेंडे देवे।
ते तोहला आसमानी पियो क्यों ना अपने मंगण आलिया को वध के देसी। बैठ सावा, ए फिकर ना करो कि खोसू क्या, ना ए फिकर करो कि पौसू क्या, हयाती खावण कोलू ते बदन पावण कोलू वध के है। कावे को देखो, रहेंदे कपेंदे नहीं, ना कोई खत्ता ही नहीं, ना गोदाम, वाल भी खुदा कवेंदे। तुसा ता पक्खी कोलू कीमती ही वे, फिकर करे सो तो क्या थी सी, क्या याती वदवे सी। जरा जी गाल ते कर नहीं वे सकते, ते जितने फिकर क्यों करें देवे। गुले लाला को देखो की में वदन, ना कतें देन ना कुटें देन। हजरत सुलेमान दी केंजी आन बान ते शान है, वल भी है कि फुल जी किथा। जे कना खुदा फुलने को एंजी पोशाक देन दे जो आज इत्थां ते कल तनूर च, ओ क्यों ना तो आपको कपड़े देसी। ए कम इतकादो असादा ईमान वधाओ, तुहाडा ईमान अरहर दे दाने बराबर भी होवे ते शतूत को आखो पाने समेत पटीज के समंदर विच वंज पाओ ते तुहाडा आखन मनेसी। खुदा दी बादशाही जिवें होवे, अरहर दा एक बीज आदमियों को राड़े च रहावे, बूटा वड़ा थी के झाड़ बन दे अते पक्षियों दी शाखें च रांदे। पता नहीं वो क्या प्याद है। तुहाडे मिलन आले टैक्स उगाड़ू ते अछूत क्यों है। चंगे भले को हकीम दी क्या जरूरत, वो तो मरीजा को होंदी। मैं इज्जत आले को तौबा से सडन नहीं आया, बल्कि अछूते को। साकू बादशाही दे बारे दिसो भाई भी कोई गाल है। छोटे अजर डर ना, तुहारे आसमानी प्यू दी रजाए जो तुहाकू बादशाही देवे, सब कुछ वेच वाच के गरीबा को दे दियो। एंजिया टेप खा बनाओ जो पड़ी जन ना, दौलत अश्ते जमा करो, उत्थाओं घटती नहीं, उत्था चोर चोरी नहीं कर सकता, ना उनको तिदा लग दे। जिथा तुहाडा माल उथा ही तुहाडा ख्याल। भाई तेरी बीमारी गई, देखो वो ठीक थी गई है, ये मौजा है, वो ठीक थी गई है, आओ देखो। माया तेरी तारीफ, हफ्ते दे छी दिहाड़े काम करो, इन्हें चु कई दिन शिफा ते आओ, छण छण वाले दिन नहीं। मुनाफिको, हे कोई जड़ा अपने डहन जे गड्ढे को छण छण वाले दिहाड़े खोल के पानी पिलावण नहीं गिनवेदा। ए बीबी हजरत इब्राहिम दी औलाद ई को शैतान 18 वरे बद्या विया, ए छण छण को क्यों आजाद न थीवे। Thank you.
मेरा चंगा मुर्शिद, हमेशा दी हयाती आस्ते क्या करा? तू भी कुछ चंगा क्यों आधे? बस खुदा दी जात चंगी है। हुक्मे दते को पता है, जान जनाकारी ना करी, कहीं को कत्ल ना करी, कहीं ते कोड़ा इल्जाम ना लावी, अपने माँ प्यो दी इज्जत करी। जवानी है ते आज दा ॾींहुं है, मैं सारे हुक्म मने। हुण तोणी ते एक काम नहीं कीता, सारी माल मंडी वेच के पैसे गरीबे को दे, ते अश्ते ते को खजाना मिलसी। वाल मेरे पीछे टुर पो। पर असा ता ताजिर हैं, मालदार। मालदार दा खुदा दी बादशाह दाखिल थीवन ॾाढा ॾुखा है। मालदार दा खुदा दी बादशाह दाखिल थीवन इवें ॾुखा है, जीवें उठता सुई दे नके च दाखिल थीवन। ते वल बच्ची कौन? जेड़ा बंदा नहीं कर सकदा, खुदा कर सकदा है। खुदा दी बादशाही हकी होसी कि था? खुदा दी बादशाही को जहरी तौर ते थोड़ी होसी, कोई ना आकसी। देखो इत्था है या उत्था है, खुदा दी बादशाही तुहाडे अंदर है। जमानो आसी जडन तुसा इब्ने आदम दे जमाने को देखन चासो, पर देख न सकसो। जिवें खिमण समान दे एक पासे चमक दी दे दूजे पासे दिस दिए, इवें इब्ने आदम अपने जमाने जाहिर थी सी। पहले थी सी कि डुख चावे ते जमाने दे लोगों को रद्द करन। आसमान टल वंजे, जमीन हल वंजे, लेकिन खुदा दी शरीयत दा एक नुक्ता या एक शोशा भी ना मिटसी। बहु नबी ते बादशाह इन्हां गालें को देखन चाहते हैं पर ना देख सके, सुनन चाहते हैं पर ना सुन सके। असा क्या करूं? क्या लिखे कलाम च, इको समझे दे कि मैं अपने मालिक खुदा को सारे हां, सारी जिंद, सारी ताकत अते सारी अकल नाल प्यार कर। अपने हमसाय को आप वांगू प्यार कर। ठीक है कि एक अर्थ जी से प्यार। मेरा हमसाया कौन है? वो सिपाही नहीं। बादशाह दी तारी क्या ख्याल है? एक आदमी यरूशलेम को लो अरिया दी तरफ वेंदा प्या हा, उनको डाकू चिंबड़ गए, मारिया कुट्टिया अदमुआ करके छोड़ गए। करण खुदा दी एक मजहबी पेशवा उत्थू गुजरिया, आदमी को डिठुस कन्नी कप के दूजे पासे। इवें एक लावी उत्थों गुजरिया, कोलू आया डिठुस ते दूजे पासे। एक गया ओ गया, वल एक समारी भी सफर कुटेंदा हूं रस्ते ते आ निखता। उन आदमी को लाथे डिठुस ते उन्दा हां भर आया। उन्दे कोलू गया, उन्दे जख्मी ते तेल दारू लायोस, अपनी सवारी ते बिलाह के एक सराहें च घिन गया, उन्दी देखभाल कीतुस। अगले जिहाड़े सराहां दे मालिक को चांदी दे डू सिक्के डिटुनस अते आखण लगा, इंदा ख्याल रखे मैं वह लाके तेको सारा खर्चा दे देसा। क्या ख्याल है तेडायो, इन अतराया चो कौन हाँ उन्दा हमसाया जी को डाकू चिंबड़ गए हैं? जय उन्दे उते तरस खादा। तो तुम ही में कर। छोटे बालों को मेरे कोल आवन दे, उन्हें को मना ना करो। आसमान दी बादशाही इंजी दिए। मैं सच्ची सच्ची याद हाँ, जै खुदा दी बादशाही को बाले वांगो कबूल ना कीता, ओंदे च वड़ नहीं सकदा। जै बाल को मेरे नां ते कबूल कीता, मेकू कीता। जै मेकू कबूल कीता, मेरे भेजन आले को कबूल कीता। जेड़ा तुहाडे च छोटा ओह वड्डा। ईसा नासरी साईं वेंदे पाए हैं। मुर्शिद, मुर्शिद
क्या चाहने क्या करा तेरे आस्ते ए जो मैं देख सका अत देख तेरे मान ते कुछ ठीक ही थे मैं देख सकता ईसा यरूशलम वेंदे पे हन हर जात लोग उन्हें को आके मिले वो दरखास्त करें दे हन जो साकू नजात दरस्ता निखाओ अत खुदा दे बदशही दे वारे सिखाओ ये आदमी है ते हकी नबी मौला मुर्शिद बचा के लोग उन्हें को मौला ते मालिक मनन लगे अरी हावेच सकीना दा एक टैक्स उगाड़ू हा उनको ईसा दिले करदा एंजा शौक हा जो भीड़ दी वजह कनु द्राख्त ते चाड़ गया खले ले आ जकी आज ते मैं तेरे घर राने मेरे घर उन्हें घर कौन रान चाहती जकी ईसा की में जान दे सुनो मैं अपने माल का अद्धा हिस्सा गरीबा को या जे के ना कहीं तो नाह गिदिम ऊकू चौड़ा वापस करे सा यकीन नहीं होता एक टैक्स उगाड़ू टैक्स की रकम वापस करे कोई ना बाबा ये घर रे चज नजात आईए ए बंदा भी ते हजरत इब्राहिम दा पोत्र है इब्ने आदम रोले को गोलंड ते बचावण आए सुनो असा यरूशलम वेंदे पे उत्था मैं इब्ने आदम दे हक च नबियां दे कौल पूरे थी सन मैं गैर कौम दे हवाले कीता वेसा ओ मजाक उड़े सन मेरी बेस्ती करे सन उत्ते थुके सन घोड़े मार के कत्ल करे सन पर मैं त्रीजे दिन जी उठसा ईसा जान देते हन जो मैं आदमी ने गुनाह दे बदले मारिया वेसा वल वियो यरूशलम दो टुर पे बहु सारे लोग उन्हें को देखते खुश थी गए ओ उन्हें को बादशाह बनावन चाहते हन चुप थी वंजन सुनो जे कनाए चुप थी गए ते पत्थर आप धाड़ पिटार करे सन अमन इज्जत सेहत ईसा यरूशलम दे कोल हुआए अते उकू देख के रोवन पै गए काश ते को
अज सलामती दे रस्ते दा पता हुंदा तेड़ियां ते अखी मुंदरीच गए औ सनो ध्याड़े तेरे दुश्मन तेरे चौगिर्द मोर्चे बात के ते को घेर के तंग करे सन तेरे कंधे दी जड़ पट के ते सन तेरी भी हते तेरे बालें दी भी जड़ कटे सन पत्थर ते पत्थर बाकी ना रासे क्यों जो तैं अपने वक्त को ना सुझाता यरूशलम दी मुकद्दस हैकल इबादत का आतिजा तिजारत दी मंडी बनी वही है। सदान अते मजहब दे ठेकेदार उन्हें तो दुश्मन थी गए गाल ये है जो लोग उन्हें को बादशाह आखते हैं मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को हुण भी बादशाह आदे बादशाह पिणे मंगने चोरें दा बादशाह ए जे बहु डिठे से आंदन दावा करन लगे वेनन या नहीं रन अंधे न थी वो उंदे मुरीद हैं के वध दे वेनन लोग उंदी तारीफ करें देन देखो एक बादशाह है मैं तो आपको एक गाल लसावा जे कना ही आदमी नक से अमन कीता मैं तो आपको नहीं छोड़ना शायद वो सही होवे वक्त आगे गलीली को रोकना पोसी इडो ईसा दी फकी है तफरी से मुनाफिक तबके दी तनकीद बदती गई उडो यहूदी पिछू लग दे गिए अते उडो दुश्मन दी मुखालिफत बदती गई हैकल विच ईसा एक गरीब बेवा को तरह में दू पैसे देने दिठा ओए चिल्लागट या दे ब्या बैठ सावा ई गरीब बेवा सब को ज्यादा दिते क्यों जो उन्हें ते पैसे दे दरियाए चो कुछ नजर न्याज कीती है भल ई अपनी गरीबी दा सब कुछ दे दितेस गाल सुन आखिर तू केजा गाल ही करे ने तेको हक कह लेते मैं भी एक सवाल करे ना दसाओ याहिया को गुसल दा हुक्म कह दिता खुदा या आदमी असा क्या आखू जेकर असा आखू खुदा ते ओ अक्सी पर क्यों दिल मने वे क्यों ना जेकर आखू आदमी त लोग की वट्टे मरे सन ए त सारे याहिया को नबी मने देन पता नहीं वो किड आया हा वल मैं भी क्यों डसावा इख्तियार मेरे को कितों मिले एक आदमी अंगूरें दा एक बाग लाया वो को ठेके ते दे दिता अते लंबे अरसे आस्ते घर को लगा गया फसल कठी करन दा वक्त आया तहिक नौकर को ठेकेदार कुल भेजियोस ता जो फल दा हिस्सा घिन घिने लेकिन बागबानियों को मार कुट के खाली हाथ भेज दितो ने वो एक बे नौकर को भेज दिता बागबानियों को भी मार कुट बेजत कर
खाली हाथ वापस भेज दे तो ने ओवल त्रीजे नौकर को भेजा बागबाने उनको भी जख्मी करके बहरू कर देता मालिक आखन लगा हुण मैं क्या करा अच्छा मैं अपने प्यारे पुत्र को भेजेना शायद उनका लिहाज करन बागबाने उनको आंधा डिठाते आपस आखन लगे ई होते मालिक दा पुत्र है आओ इनको कत्ल करूं सारा तरका साडा वाल क्या था उनको बाग को बहर गिन गए मार सट्यो ने हुण बाग दा मालिक नाल क्या सलूक करे सी ओसी उन्हें को कोगते सी ते बाग बिना को डेडे सी वाली ने आयता दे क्या मायने थे जेड़े पत्थर को मिस्त्रियां भुका सट्या वो सब को ज्यादा कीमती थी गया जेड़ा वो पत्थर ते ढासी टोटे टोटे थी वैसी अते जेंदे उते खुद ढासी उन्दा सुरमा बना दे सी मुर्शिद तुसा साथ जादे ते साथ सिखें दे हो आपको पता है तुसा कहीं दी तरफदारी नहीं करें दे अते खुदा दे राह दे बारे विच सही दसें दे हो फरमाओ ते शरीयत क्या आदी है असा ही रूमी बादशाह को जजिया देवा या ना देख के ए वल्ला पे हमारे दे एक सिक्का ते दिखाओ ए शक्ल केंदी है बादशाह दी जेड़ा बादशाह दा है ओ बादशाह को दे दियो अते जो खुदा दा है खुदा को ਹੁਣ ਈਦ ਫਤੀਰ ਕੋਲੂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਫਸਾ ਵੀ ਆਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸਾ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਕੋ ਫਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਕੋ ਸਿੱਖ ਆਈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਣ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਸਾਂ ਜੇ ਤੋੜੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਥੀਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ तू अंगूर दी फसल को फल लेने एक गिनो एक वंड गिनो मैं आधा अंगूर दा रस तुहाडे नाल ना पीसां जे तुहानूं खुदा दी बादशाही ना आवे मुबारक है तू खुदावा दुनिया का बादशाह तू जमीन चो रिजक कढ़े ने ए मेरा बदन ने तुआले आस्ते दिता वेंदे मेरी याद च कीता करो मैं तुहाडे वास्ते अपना खून वह साया ए प्याला उहो मोहता है मगर देखो नमक हराम दा हाथ भी ही कंदूरी ते है ए ते ठीक है मैं इब्ने आदम को मरने खुदा दी मर्जी जो थई मगर अफसोस नमक हराम ते नहीं थी सकदा थी नहीं सकदा नामुमकिन ओ गद्दार कौन है जड़ा तुहाडे च वड्डा है छोटा बने अते सरदार खिदमत गुजार बने
वड़ा कौन है? टुकर खावण वाला या खवावण वाला? बेशको जो खवेंदा बैठे, लेकिन मैं ते खिदमत गुजार वाऊ। मेरे सारी मुसीबतें तुसा नाल नाल रहवे। मेरे आसमानी प्यो जिमें मेरे को इख्तियार दिते उमें मैं तो को देना। मेरी बादशाही तुसा खासो पीसो अते तख्त बह के सारे बनी इसराइल का फैसला करे सो। वालते का दार न थिया। शमून शमून देखते है शैतान तुसा सारिया को आजमावन चाहता हा ता जो तो छंड के फटके जिमें किसान कणक ते भू को अंज अंज करें दे। मैं दुआ की थी शमून ज तेरा ईमान सलामत रावे जडन तू मैं दू वापस आवे भिरा में दी मदद करें। मौला मैं तो तुहाडे नाल ढकी जण वास्ते तैयार हाँ, मरण वास्ते भी। मैं डसावा पितरस, कुकड़ बांग तू पहले पहले तू मेरा त्राए वारे इनकार कर चुकया उसे। मैं तो आपको बटवे थैले ते जुतीं दे बगैर भेजे हम थई कुछ घटी नहीं कोई शै ना हुन बटवा ते थैला जरूर रखिया करो जिन्हें कोलो तलवार ना होवे दुस्सा वेच के घिन गिने। मैडसा खुदा दे कलाम च लिखिया वे उंदा शुमार बदकारें च कीता गया। मेडे मुतलक लिखी हुई हर गाल पूरी थी सी। ए दू तलवारा हैं मुर्शद बस करो। यहूदियों का जिरगा बैठा ता जो ईसा को लूकी में जिन छुड़वामें। उन्हें बारह विचों एक यहूदा अस्कर यूतिहा शैतान उन्हें विच वाड़ गया। उन यहूदियों नाल मिलके ईसा को पकड़वावण दा मुंड बध्योस। ईसा यरूशलम को छोड़ के कहू दे पहाड़ ते दुआ करनगे। दुआ करो जे अजमाइश च न पवो। यहूदा इस्करियोती चांदी दे 30 सिक्के ने वटे ईसा को पकड़वा दिता। ईसा जानदे हन जे लोकें दे गुनाहे आस्ते उन्हें दी मौत दा वेला डाढ़ा कोल हुआ गिए। उन्हें दुआ मंगी। अब्बा सही जे तुहाडी मर्जी ते प्याला टल वे मगर मेरी नहीं तुहाडी मर्जी थी वे। अते एक फरिश्ता आसमान कनु आके उन्हें को तरसल्ला देंदा हा अते उन्हें दा पगघर हा जो रात वांगू वुड़ा प्याहा। सुत्ते क्यों पे हो? जाको दुआ करो ता जो आजमाइश न पवो।
यहूदा, तुंग लकड़ी पा के अपने आदम को टकवे ने। मौला सा तलवार चलाओ। पकड़ के जो इको बहुत ही गई है। मैं कोई डाकू हाँ जो तुसा तलवार ते डंडे सोटे खिनाए वे। मैं हर रोज सैकले तुहाडे नाल हुंदा पर तुसा हाथ ना कत्या। ए तुहाडा वेला है, अंधार दा हुक्म पिया चलदे। पकड़ खिनो परा हिलाओ। सिपाही उन्हें को हवेली च घेन आए अते यहूदियां दा बादशाह आके खेल मश्करी करान लगे। ए जुबा बादशाह पेनन साथ क्या थी बना ले। बादशाह सलामत, असा को बचे सो, असा को बचे सो ना किबला। ए भी इसा दे नार हा। बीबी मेको क्या पता कौन है। मैं डिठे कठे हन। तुहाडे खादे मां कहीं दा माता आज थी मन की जा लग दे। तू भी उन्हें विचो है। नहीं पापा नहीं। कोई गाल नहीं, ए ईसा दे नाल हा, अते गलीली भी है। धुरक पाओ। पता नहीं, तत तुसा क्या पया दे हो? ईसा मोड़ के पत्रस को डिठा, अते पत्रस को मौला दा ओ कौल याद आया। कुकड़ बांग तू पहले पहले तू मेरा त्रै वारी इनकार कर चुके हो से। मौला मिन्नत करे ने जो आपने अजीब कुदरत दे मुताबिक सलूक कर ते साने प्यू नाने को उवले माफ कीता जड़ ओ तेरे कलाम दे बागी थे। तू खफा था हमें पर सफाया ना की तो क्यों जो आपड़ी उल्फत एहत ते वफादारी दी वजह को नू उन्ना को बख्श दितो। काय मारी दसाते गैब दी खबर दे हुन कौन मरे सी। बंद करो, मैं आख है बंद करो, अदालत पेश करो। वन शरी अदालत दा इजलास ईसा दी तफ्तीश आस्ते हा।
रसा, क्या तू ही मसीह है? मैं रसावा भी ते तुसा ना मनीसो। जे कना मैं पूछा ते तुसा जवाब ना देसो। ई वेले को ते मैं इब्ने आदम कादरे मुतलक ते सज्जे हाथ ते बैठा रासा। ते क्या तू खुदा दा पुत्र है? तुसा आदे हो मैं हां। असा अपने कना नाल सुन गिधाए। एक प्लास दोस्त दो घेन वजो खत्म कर दियो। एक हेलो उन्हें को पुंतियस पिलातुस दे कोलू घेंगिए। ए शख्स रूमी हुक्मरानी विचू सब को ज्यादा वहशी अते हजारें दी मौत दा जिम्मेवार हा। अते फजर नाल इथा क्या करण आए हे वे? ए लोका को फिटे दा वदा हा। ई हैकल इक दादा बिजन कर लेती हाई। ई को सजा क्या मिलसी? सजा देओस। सजा देवण दी वजह ते दिसती नी कोई भी नी। ए मुजरिम ते हे आदे बादशाह को जजिया ना लियो। इंदा मसीह बादशाह थीवण दा दावा है। बादशाह? तू यहूदे दा बादशाह ही? आप आ देओ। गलील विचु शुरू थे ते हुण इथा आ गए। गलील चू? क्या ये आदमी गलीली है? वल अते हेरोदीसी को देख सी वो हुण थोड़ी यरूशलेम विच है ना। हेरोदीस को घेर वनो। तू अपने आप को क्या समझता है? ए तेरे मुरीद केड़ी शाह हैं? लोग आ दिन तू कोई मौजूद सोच से ही करें दे। जरा दिखा तो सही। आली जा ए लोगों को फिटेंदा वदा हा। ए अपने आप को बादशाह दे। ओए ए बादशाह? जहां पना चस दा रगड़ो। वापस भेजो पिलाते दो। ए उदा सूबा है। मरण जहां ते कोई काम नहीं सी किता। मैं एक कोड़े मार के छोड़ देना।
सही तुसा इते हर साल एक मुजरिम छोड़ देंदे हो बराबा को छोड़ दियो टंटा चाओ साडा बंदा बराबा हूँ इंतजार कहला पिला तू ए है ईसा धार धार करेंदे रह गए जो ईसा को सलीब दियो पिलातुस ईसा दी मौत दा हुकुम सुना देता अते बराबा को आजाद कर दितुस जो बलवे ते कत्ल दा मुजरिम हा अते ईसा को सलीब आस्ते उन्हें दे हवाले कर दितुस किरीनी सरकार और त्या रस्या कपो तू ही पूछा अगू थी शलम दी पीपियो मेरे आस्ते न रोवो अपनी औलाद ते अपने आस्ते रोवो क्यों जो जटन सिन्ने दरखत नाले करें देन सुके नाल क्या ना चकरे सिन खुदा तो हाड़ी मदद करे असा तुआड़े आस्ते दुआ करे सिन चलो और त्याओ जल्दी करो जल्दी जल्दी वन 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 जल्दी करो जल्दी हेलो हेलो भी अबू तो बनो थोड़ा भी सही Thank you.
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ। जानते क्या पे करें दिन इन्हें को बचाए आपको बचावे ना। हाँ मसीह है तो अपने आप को बचा ले आ सलीब कनू कोई मौजज़ा शौजज़ा ते दिखा ईसा को दो बदकारी के दरमियान मसलूब कर दिया ने यह हजारों साल पहले की पेशीन गोई के मुताबिक थिया। ए कोई सूफिया आला मामूली चोगा नहीं ए गेन वन्या नहीं को ना फाल गाल सुन इंदा उते फाल सटू एक पांच छह आठ नौ सात उंदे सिरहाने ए लिख के ला दितो ने ए यहूदियां दा बादशाह है। बादशाह अपने आप को बचा सजा मिली है
जेड़ी तैकू पर हूं बुराई तो नहीं कीती। चढ़न पादशाह बन के आओ मैं को याद रखा है मौला। ए मेरा वादा आज तो हो से फरदौस मेरे नाल इथु दोपहर थे उथु त्रै बजे तक सारे मुल्क विच अंधारा घुप। तोड़ी अधो अध थी गया। अब्बा से मैं अपनी रूह तोले हाथ च देना। सिपाहियों दे कप्तान ए डिठा ते खुदा दी तारीफ करन ते आखन लगा, वाह मौला वाह, केंजिया वड्डा बुजुर्ग हाए बंदा। अरमतिया दराहण आला यूसफा ते मजहबी जिरगे दा मेंबर पर ई कारवाई दा हामी नहा। ऊं छण छण दे सिज लाहण कनू पहले पिलातुस कनू ईसा दी लाश दफनावण आस्ते मंगी। अच्छा आपने मौला जी जनाजे जनाले ठीक है लेकिन चलो छन छन सिरते आ गए। आदित को वड़े वेले ओ खुशबूएं ते अतर वतर तैयार करके कबर ते आया। इडो कबर दे मुंह दा पत्थर रिढ़िया पिया हा। उडो अंदर गया ते मौला ईसा दी लाश गाय। जींदियां को मोयां च क्यों पैगल लेंदे हो? ओ इत्था नहीं,
ओ जी उठें, उन्हें दा गलील आला कौल याद करो। मैं इबने आदम गुनाहगारां दे हवाले किताबे सां, मसलूक थी सां, ते त्रीजे जहाड़े जी उठ सां। देखो कबर खाली है अते मौला गायब। पत्र साहब ये बिल्कुल सच है। ईसा डू हवारे ते भी जाहिर थे। वो डाढ़ी खुश खुश बाकी को लुआए। सची मौला जी उठिन, वो शमून को भी दिसिन। असा तो संजान ना सके, खास तौर ते सड़क ते। रोटी भन्यो ते पता लगा। अमावा सच अजीब है उठा गए। सलाम अलैकुम। घबरावण की वजह तुहाड़े दिल च इंज शक क्यों है? देखो ए हाथ ते पैर देखो, देखो देखो ए मैं हां, हाथ ला के देखो, देखो था जिन भूत दे हड्डियां ते गोश्त नहीं होता मेरे ते हैं। जड़ मैं तुहाडे नाल रहना हम ए गाली करेंदा हम, मेरी बाबत जो कुछ मूसा दी तौरात नबियां दे सहीफे ते जबूर च लिखिया होया है पूरा थी वे ए लिखिया वाए यकीनन मसीह लोक चेसी त्रीजे डी मुर्दियां चो जी पोसी उंदे नां च सारे कौम आई तौबा दी अते गुनाह दी माफी दी मनादी कीती वे सी। ए यरूशलम कोलो शुरू थी सी। तुसां गवाह ही वे ना गाली दे, मैं अपने प्यो दा वादा तुहाडे आसे पूरा करे सां, तुसां ही शहर च रहंदे रहो जे थोड़ी तुहाडे उत्ते कुवत नाजल न थी वे। जमीन आसमान का सारा इख्तियार में को दिता है, वंजो सब कौम को मुरीद बनाओ, उन्हें को प्यो पुत्र ते रूह कुद्स दे नाच पा खुसल दियो, उन्हें को आखो मेरे सारे हुक्मां ते अमल करो। मैं दुनिया दी पान तोड़ी तुहाडा पंत सां। अंबिया कराम फरमाया हा जो अल्लाह सही मसीहा को भेजे सी अते ओ बनी नवे इंसान दा ताल्लुक खुदा नाल बहाल करे सी। आका ईसा मसीह दी जिंदगी अते उने दे मौजजात साबित करेनन जो उहे ही हैं जिन्हें दा वादा अल्लाह सही इंसान नाल फरमाया हा।
حضرت ایشیا فرمایا ہا ایک نوجوان کواری پاک دامن چھوئر ایک چوہار جنے سی اتے ایمے تھیا قدرت الہی نال بی بی مریم حاملہ تھی گئی اتے بعد آقا عیسیٰ مسیح دی ولادت باسعادت تھئی صحائف کولمبیا آپ کو مسیحا آدن جتنا ایک پتر اپنے پیو دی قربت وچ رہ ویندے آپ اون کو بھی زیادہ خدا دے قریب ہیں ہی واسطے انہیں کو فرزند خدا آکھیا گئے لوکیں جڑے ویلے آقا عیسیٰ مسیح دے موچے ڈٹھے تو انہیں کو خدا یاد آ گیا آپ لوکیں کو شفا دیندے رہ گئے انہیں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کریندے رہ گئے اتے انہیں کو جنت دی بشارت دیندے رہ گئے لوکیں کو انہیں دے گناہ دی سزا کو بچاون دی خاطر آقا عیسیٰ مسیح اپنی جان تک قربان کر لی تھی موت دے بعد وہ زندہ تھی کہ موت کو شکست فاش لی تو نے مسیحا فرمایا میں کو اپنی جان دے دیون دا اختیار بھی ہے اتے ولا زندہ تھی ونجن دا بھی آقا عیسیٰ مسیح دی زندگی انبیاء دے پیشین گوئیں دے عین مطابق ہے انہیں عملی طور تے ثابت کر دیتا جو کلام اللہ لا تبدیل تے برحق ہے آقا عیسیٰ مسیح خود بھی فرمایا جو زمین آسمان مٹ سکدن پر میڈیا گالی ابد تائیں قائم رہ ویسن حضرت آدم مت حضرت حوا کو اللہ سے این واسطے خلق فرمایا تاں جو ان دی قربت وچ رہ ونجن پر انہیں اللہ سائیں دی نافرمانی کی تھی این عمل دی وجہ کنوں انہیں کو قربت الہی کنوں محروم تھیونا پے گیا انجیل شریف وچ لکھیا لا تھے جو انسان گناہگار ہے اتے گناہ دا انجام جہنم ہے ظاہر ہے گناہگار لوگ اون پاک ذات دی قربت وچ تے نہیں رہ سکدے جیویں اللہ سائیں قربانی واسطے دمبا عطا فرما دیتا ہا حضرت ابراہیم دے فرزند کو بچاون دی خاطر اوں بنی نو انسان کو بچاون دی خاطر آقا عیسیٰ مسیح کو قربانی واسطے عطا فرمایا آپ دی زندگی موت اتے ولا زندہ تھی ونجن دی وجہ نال آپ دے منن والے لا اللہ سائیں نال تعلق بحال تھی ویندا ہے لہذا جڑا شخص وی آپ تے ایمان گیناندے او جہنم دی بھاک نوں بچ ویندے او کو قربت الہی نصیب تھی سی اتے دائمی طور تے جنت وچ رہ ویسی آقا عیسیٰ مسیح موت دے بعد جڑے ویلے ولا زندہ تھی گئے تا اپنے صحابہ کرام کو فرمایو نے پوری دنیا وچ میرے نا نال تبلیغ کیتی ویسی جڑے لوگ اپنے گناہ کو توبہ کر گن سن تے خدا دے پاسے رجوع گن اوسن انہیں دے گناہ معاف کر دیتے ویسن ولا فرمایو نے میں اپنے منن والے کو قدرت الہی نال رنگ دے ساں این طرح انہیں کو صراط مستقیم تے چلن دی قوت ملسی جڑے ویلے گناہگار عورت اپنے گناہ کو توبہ کر گئی تا او کو فرمایو نے تیرے گناہ بخشے گئے ہیں تو بچ گئی ہیں کیوں جو تائیں اپنی زندگی میرے واسطے وقف کر دیتی ہے آقا فرمایا جدا اللہ سے لوکیں دے گناہ معاف کر دیں دے تا او کو تہ دلوں پیار کریں دیں آقا عیسیٰ مسیح لوکیں کو فرمایا تساں سارے میری پیروی کرو آپ دے نیڑے سولی دے لڑکے ہوئے ایک مجرم عرض کی تھی آقا قدم دی نگاہ تا فرمایا آج ہی تو میرے نال جنت الفردوس سے چھوسیں جہے لوگ آقا عیسیٰ مسیح دی پیروی کرن دا فیصلہ کر گن دن وہ اپنے نویں تعلق دا اظہار کچھ ای انداز نال کریں دن رب العالمین تیری ذات پاک عرفہ والا اتے تیرا لکھ لکھ شکر مولا میں اقرار کریں نا جو میں تیری نافرمانی کریں دا رہ گیا تیری کرم نوازی ہے جو تائے میں کو بچاون دی خاطر مسیحا کو بھیجے میرا مولا میں صراط مستقیم دے چلن چاہندا آقا عیسیٰ مسیح کو میں اپنا بچاون والا منیندا میرا مولا کریمہ تیری ذات پاک دا لکھ لکھ شکر ہے جو تے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتن اتے ای طرح جنت دے دروازے میرے واسطے کھل گئے صراط مستقیم دے چلن واسطے میں کو اپنی قدرت نال رنگ دے تا جو آئندہ میں تہ دلوں تیری رضا دے مطابق زندگی گزاراں میرا مولا ساری دنیا تے تیری حمد و ثنا تھیندی رہ ونجے آمین ثم آمین آقا عیسیٰ مسیح فرمایا میں اپنے منن والے کو جانتا ہاں وہ ہمیشہ میرے پاسے توجہ رکھیں دن اتے میری پیروی کریں دے رہ ونجے آقا عیسیٰ مسیح دے منن والے ایک دوجے نال میل ملاپ رکھیں دن روزانہ انجیل شریف دی تلاوت کریں دن اتے اللہ سائیں کو دعا منگ دین وہ آقا عیسیٰ مسیح دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کریں دین اتے آپ دا پیار دوجے نال ونڈیں دین آقا عیسیٰ مسیح قدرت الہی نال لوکیں دی مدد فرمیندے رہ ویندے اتے انہیں کو مضبوط کریں دین
आप दे मनन वाले आप दे इरशाद को हमेशा याद रखे दिन जरा उन्हें अर्श मुअल्ला ते वेंदे होए फरमाया हा जमीन अते आसमान दा सारा इख्तियार परवरदिगार मैं कू दे दिते अते देखो मैं हमेशा तुहाडे नाल हां।